Audio Jungle. तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि कैसे अपने गिटहब प्रोजेक्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको कौन खोल लेना है और कोई भी खोल जाएगा सर खोल लेना, उसको सर्च करना है गिटहब लॉगिन। जैसे ही आप ये गिटहब लॉगिन सर्च कर लेंगे, फर्स्ट लिंक आपके पास आ जाएगा, आपको जस्ट क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पर। क्लिक करने के बाद आपको टॉप लेफ्ट साइड में देख जाएगा टॉप रिपोजिटरीज। एक्चुअली मैंने जो है अपना अकाउंट पहले से बना रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली लॉगिन हो गया हूँ। अगर आपने नहीं बनाया तो पहले आप अकाउंट बना लें, उसके बाद देख सकते हैं साइड में आ रहा है टॉप रिपोजिटरीज। जाके जैसे आप देख सकते हैं, सेटिंग्स आ रहा होगा, सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। अब आप जनरल में देख सकते हैं सेटिंग्स में, हम ये जो आपका आ रहा है टेस्ट वन करके इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अपनी कोई रिपोजिटरी है, जैसे मेरी रिपोजिटरी है टेस्ट वन नाम की, उसको मैं रिनेम भी कर सकता हूँ जनरल सेटिंग्स में जाकर। सो इसमें और भी फीचर्स आपको दिख जाते हैं, जैसे सोशल प्रीव्यू में आप देख सकते हैं नीचे टेम्पलेट लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पे आपको गिटहब अपना कैसा दिखे। तो नीचे और भी फीचर्स हैं, अपनी प्राइवेट रखने के लिए प्राइवेट रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। देखिए एक्स ही हमारा रेपो का नाम आ गया है, तो आप देख सकते हैं। तो गिटहब भी प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाके सोशल प्रीव्यू पे देख सकते हैं फीचर्स को। फीचर नीचे चले जाना, डेंजर जोन पे चले जाए, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप नीचे सबसे पहले जाना डेंजर जोन में देख सकते हैं। चेंज रिपोजिटरी विजिबिलिटी, इस पे आप रेपो की विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट भी रख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे अपनी रिपोजिटरी को डिलीट करें। नीचे आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट द रिपोजिटरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आई वांट टू डिलीट माय रेपो, इस पर क्लिक करके यहाँ पे वोटिंग दिखा रहा है। तो भी अगर आपने एक बार जो है अपनी रिपोजिटरी डिलीट कर दी रिकवर नहीं कर सकते। तो ये जो आपको बॉक्स में मैसेज दिख रहा है, बॉक्स के ऊपर मैसेज दिख रहा है कंफर्मेशन के लिए, तो ये मैं टाइप करता हूँ। मेरा नाम पारस है, तो ये ये सब टाइप करके आपको जस्ट डिलीट रिपोजिटरी में क्लिक कर दे। वो यहाँ पे आपके में शायद पासवर्ड मांग सकता है, नीचे देख सकते हैं मेरे में पास की मांग रहा है जो कि मेरा पासवर्ड है, तो मैं भर देता हूँ। देख सकते हैं पासवर्ड भरूंगा और ये रेपो जो है डिलीट हो जाएगी, मैसेज आपको ऊपर शो हो जाएगा। गलत पासवर्ड हो गया, एक मिनट लेट मी ट्राई अगेन। ये मेरा पासवर्ड आप देख सकते हैं बहुत बड़ा, इसलिए एक मिनट गलती हो सकती है। देखिए वेरीफाई हो चुका है पासवर्ड, हम बदल दिया होकर देख सकते हैं आप हैज बीन सक्सेसफुली डिलीट। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को